अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, चैनल को जिस जैसे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सबके बहुत काम आने वाली है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उनको आप लोगों को अर्थ बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो आपकी ज़मीन से जो ग्राउंड आती है उसके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको हल्का फुल्का स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक न दे और उसके साथ वो चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग लाइफ रहे। वो तो बेसिकली एक चीज़ मेरे जहन में आई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसी जगह पर रहते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग्स में इस तरह से रहते हैं कि जहाँ पर अर्थ बॉन्डिंग का नामो निशान ही नहीं होता। मतलब वहाँ पे जब उनके बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स वगैरह जब कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे तो वहाँ पे अर्थ बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो उन दोस्तों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनके जो पीसीज हैं वो चलते हुए उनको डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा स्टैटिक देते होंगे। कोई केबल के पीछे जिस तरह से टीवी के वायर होती है उसको आप हाथ लगा हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक आता है, फिर पीसी में यूएसबी लगाया तो उस पर हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो आप लोगों के लिए मैंने एक हल निकाला है इसके लिए कि आप आर्टिफिशियली अर्थ बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। ये देखें, जिस तरह से मैंने आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करवाने के लिए अपनी मैंने वॉल भी बर्बाद कर ली, तो यार एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि देखो मैंने अपनी वॉल सारी बर्बाद कर ली है। हालांकि मेरे पीछे बोर्ड में अर्थ बॉन्डिंग आ रही, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करवाने के लिए मैंने किया है। तो ये देखें, ये अर्थ बॉन्डिंग मैंने आर्टिफिशियली बनाई है। मैंने किस तरह से बनाई है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग अपने पीसीस के लिए बना सकते हैं और जितने भी आप लोगों के छोटे मोटे लोड्स जो हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, कि जिस तरह से आप एक तरह से एग्जांपल ले लें, आप लोगों का माइक्रोवेव ओवन वगैरह है उसके लिए भी आप ये बना सकते हैं इस तरह की अर्थ बॉन्डिंग। तो ये अर्थ बॉन्डिंग आप लोगों ने किस तरह से बनानी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया है, अपनी मैंने हल्का सा ज़मीन को मैंने खोद के, मतलब खोदा नॉट इन दैट सेंस, हल्का सा मैंने इसमें डिग करके और मैंने एक जो है स्टील का जो कील होता है उसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने ये कॉपर की वायर रैप करके ज़मीन के अंदर ठोक के और मैंने हल्का सा पानी डाल दिया ताकि अर्थ हो उसके अंदर, और ऊपर मैंने वाइट सीमेंट लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ज़मीन के अंदर से वायर आ रही है, ये वायर यहाँ से निकलती हुई मेरे टेबल के पीछे से होती हुई है मेरे सॉकेट पे जा रही है। तो बदकिस्मती से मेरा जो सीरीज बल्ब है वो टूट गया है, तो मैं आप लोगों को उस पर मल्टीमीटर पे ही ये चेक करा सकता हूँ। तो बल्ब होता तो बल्ब भी मैं आपको उससे ग्लो करके दिखाता हूँ, क्योंकि बल्ब भी ये ग्लो कर रहा है। ये अर्थ मतलब बहुत अच्छी और बहुत मजबूत बनी है, और जब हम इसके ऊपर कोई मतलब लोड शोड चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर हल्की फुल्की भी करंट नहीं आती है। तो मैं आपको ये ज़रा चला के दिखाता हूँ, मतलब आई मीन इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है नहीं। तो मल्टीमीटर को हम लोग इसी वोल्टेज पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें आप लोगों के सामने। उसके बाद इसकी जो लाइव प्रॉब जो है वो हम इसके लाइव वाले पॉइंट में डाल देते हैं, ब्लैक प्रोब हम अपने हाथ पर रखते हैं, ज़रा स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको न्यूट्रल में लगाते हैं हम लोग, तो आप लोगों के सामने देख रहे हैं वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम ऊपर इसको ज़रा अर्थ में लगा के चेक करते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने 232 वोल्ट्स आ रहे हैं। अब मैं न्यूट्रल में लगाता हूँ तो 233 वोल्ट्स आ रहे हैं, अर्थ में लगा रहा हूँ ऊपर तो 232 वोल्ट्स आ रहे हैं, एक वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली होता ही होता है। तो माशाल्लाह से हमारी अर्थ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी है। अब जरा मैं आप लोगों को एक और चीज पे मैं चेक करवाता हूँ, उसको अपने पीसी का जो प्लग है वो मैं लगा लेता हूँ सॉकेट के अंदर, ठीक हो गया। सॉकेट को मैं ऑन कर देता हूँ और अब जरा टेस्टर से चेक करते हैं कि पीसी की यूएसबी पोर्ट्स में करंट तो नहीं आ रहा, मतलब स्टैटिक तो नहीं आ रहा उसमें। तो मैं जरा आप लोगों के सामने चेक करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ऊपर से मेरी जो स्क्रीन है वो ऑन हुई हुई है और नीचे मेरा पीसी है, तो पीसी की मैं पावर ऑन कर देता हूँ। सर देखें आप लोगों के सामने, पीसी की पावर ऑन कर दी मैंने और ये इसकी यूएसबी पोर्ट पर मैं टेस्टर लगा रहा हूँ। ये देख लें, बिल्कुल भी टेस्टर हल्का सा भी ग्लो नहीं कर रहा, मीन्स डेट कि हमारा जो पीसी है, जो सीपीयू जो है, इसके अंदर स्टैटिक नहीं आ रही है। अगर हम लोग अर्थ बॉन्डिंग इसकी निकाल दें तो डेफिनेटली टेस्टर यहाँ पर ग्लो करेगा, बट अभी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा। उसी के साथ ही ऊपर वाला मेरा पीसी, इसको भी देख लें, इसके अंदर भी टेस्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो मीन्स डेट हमारी अर्थ बॉन्डिंग जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बन चुकी है, ये देख लें आप लोगों के सामने है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के घर में भी अर्थ बॉन्डिंग नहीं है और आपका पीसी जो आपको हल्का हल्का अर्थ मार रहा है, मतलब यूएसबी लगाते हुए निकालते हुए, और अगर कोई भी आपकी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो आपको हल्का सा स्टैटिक दे रही, तो बिल्कुल भी आसरा ना करें। ये देखें, बिल्कुल आराम से इस तरह से आप अर्थ बॉन्डिंग बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर काइंडली वीडियो पसंद आई है, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर जाते हुए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।